रहमान रहीम चौधरी मोहम्मद अकरम वॉलीबॉल एकेडमी लेसर कलां तहसील जफरवाल डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। ये खूबसूरत ग्राउंड, ये खूबसूरत माहौल चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने सेल्फ हेल्प बेसिस पे ये सारा स्ट्रक्चर स्टैंड किया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ के दर्जनों खिलाड़ी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं इस सिलसिले में। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये जो आपने सिलसिला चौधरी साहब शुरू किया है, ये माशाल्लाह कब से आप इसे चला रहे हैं? ये तनवीर साहब 2011 से स्टार्ट किया है इस प्रोग्राम को। माशाल्लाह 2011 से माशाल्लाह शुरू। माशाल्लाह 2011 से, इसका मतलब है तकरीबन 12 साल हो गए आपको यहाँ इस दश्त की बियाबानी करते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चौधरी साहब ये सारा सिलसिला जो है, ये आपने जो ये बनाया हुआ है, नेट्स लगे हुए हैं, ये वॉलीबॉल ग्राउंड नेट लगा हुआ है, ये बेहतरीन कोर्ट आपने मेंटेन किए हुए हैं, तो ये सारा सिलसिला जो है ये आपको कुछ स्पॉन्सर भी करता है या सेल्फ हेल्प बेसिस पे सब कुछ चल रहा है? ये तनवीर साहब हम खुद ही करते हैं, किसी किस्म का स्पॉन्सरशिप नहीं है। हमारे साथ स्पॉन्सर एक चौधरी नवीद साहब हैं शकरगढ़ से, वो उनकी है मेहरबानी कि वो हमें जो भी ज़रूरत होती है, वो उनका कहना है कि जो भी ज़रूरत हो मुझे बता दिए, फिर हम कोशिश करते हैं कि कम उनको बताएं, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अपने तौर पे हम करते हैं। जो सब बड़ी बात है, अल्लाह पाक आपको जजाए खैर अता फरमाए। तो फिर आखिरी आ जाता है कि जी कंट्रीब्यूशन आपकी कामयाबियों का तनासब वो जो है क्या है इसमें, इस अकेडमी में से कितने खिलाड़ी निकले हैं जो अभी तक जिनको जॉब मिल चुकी है? कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे डेफिनेटली जिनको पाकिस्तान कलर भी मिल चुका होगा, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी रोशनी डालें प्लीज़। ये तनवीर साहब जब पहली दफ़ा हमारी एकेडमी के लड़के गए, उसमें उस्मान शानी, अबैद और हमाद, ज़ुबैर, ये इन्होंने अपना उमर चीना, ये लड़के पहले टूर पे गए थे। उसके बाद जो जूनियर चैम्पियनशिप हुई उसमें अली अब्बास गया पिछली बार। इस बार जूनियर चैम्पियनशिप हुई अंडर 16, तो ये लड़का हसन गया। तो इस तरह से आर्मी में हमारे काफ़ी सारे लड़के, 100 से ज़्यादा लड़के हमारे एकेडमी में 11-12 साल से भर्ती हो गए हैं। हम आद और शानी वापडा में चले गए हैं, और भी लड़के उमर चीना वापडा में पहले ही था। इस तरह से हमारे लड़के आर्मी में मैक्सिमम लड़के जाते हैं। जो आप शकरगढ़ में, आपको पता है कि बहुत कमी है, बेरोज़गारी है, लड़के इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते 2-3 साल, उस वजह से ज़्यादा लड़के आर्मी में चले जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, लड़के ग्राउंड में आए। हमारे पास माशाल्लाह 50-60 लड़के आपके सामने इस टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और दूसरा सेंटर भी हमने बनाया हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह कामयाब लड़कों को करे, इनको तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं इनके साथ। जो साहब अल्लाह ताला आपको सिला अता फरमाए, अजर अजीम अता फरमाए, आप बेलौस वॉलीबॉल की खिदमत कर रहे हैं, इन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, और ये खुशाइंद बात आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रोज़गार हासिल कर चुके हैं यहाँ इस अकेडमी से। तो उनके वालदैन की दुआएं, उनकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल जो आपने रोशन किया है, अल्लाह पाक परवरदगार आपको कभी नाकाम नहीं करेगा, उसकी रहमत से हमें उम्मीद है कि कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।